जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, और हमने आज ओवरहेड्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं और साथ में ही एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग करनी है। जी एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की थी वो कुछ इसकी बेसिक्स थी, और एक क्वेश्चन मैंने इसका आपको सॉल्व करवाया था। क्यों जी, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर वन है, ये मैंने सॉल्व करवाई थी इसका ए पार्ट, और इसका बी और सी पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आप लोग होपफुली कर कर आए होंगे। अच्छा, पहले ऐसा करते हैं कि पहले ओवरहेड्स के जो एमसीक्यूज हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसकी तरफ आते हैं। जी क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है ए ऑप्शन। जी क्वेश्चन नंबर टू का बताइएगा। क्वेश्चन नंबर टू का ए ऑप्शन 27,000 से अंडर एब्जॉर्ब, ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर थ्री का भी अल्फा, क्वेश्चन नंबर फोर का आई थिंक सेकंड ऑप्शन है, जी थ्री और फोर क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर किसी क्वेश्चन में आपको इश्यू होगा आप लोग चैट बॉक्स पे लिखेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है थर्ड ऑप्शन। देखें अनीस, क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने ये करना है कि जो डाटा उसने हमें दिया हुआ है पहले हम इस डाटा से अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालें। पहले हम निकालेंगे एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल उसने हमें बताया हुआ है 21,050 आवर्स इनटू हमने ओएआर करना है।
जो कि उसने हमें नहीं बताया, तो फिर हमारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स नहीं। इसको जब हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल ओवरहेड से, तो एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे जो आ रहे हैं वो हैं 3,43,825। और उसने ये कहा है कि ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है, अब ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि यहां पर जो वैल्यू है वो ज्यादा है। ओवर एब्जॉर्प्शन कब होती है? जब एब्जॉर्ब ज्यादा हो। जब एब्जॉर्ब ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब है ओवर एब्जॉर्प्शन है। अब इट मींस कि यहां पर जो वैल्यू है वो एक्चुअल से ज्यादा है। एक्चुअल से कितनी ज्यादा है? 14,025। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकल आएंगे। तो हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बन रहे हैं 3,57,000। शाबाश आसान, 850। ये हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अब यहां से हम क्या करेंगे? अपना ओएआर निकालेंगे बड़े आराम से। हम क्या करेंगे? इस 3,57,000 को 57,850 को डिवाइड करेंगे 21,050 आर्स के साथ। आपके पास ओआर निकल आएगा 17 पर आर। अब इसमें हम बजटेड आर्स निकाल सकते हैं। जो हमारे बजटेड ओवरहेड्स हैं जो हमारे बजटेड ओवरहेड्स हैं 3,40,000 के, 3,40,000 को हम डिवाइड करेंगे अपने ओएआर 17 से, तो हमारे पास बजटेड ओवरहेड्स निकल रहे हैं। Janice, is that clear or not? जो इससे अगला क्वेश्चन है उसमें भी एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। आपने पहले अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एक रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। जब आप अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन को रिवर्स कैलकुलेट करेंगे तो वहां से ओ आर निकलेगा। अब जब ओ आर निकल आएगा तो फिर आप बजटेड ओवरहेड्स बड़े आराम से निकाल लेंगे। जी नहीं, इस क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा या नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है थर्ड ऑप्शन। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने पहले बेस इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। कहते हैं कि जब आप सर्विस सेंटर बी को रीअपोर्शन करते हैं, सर्विस सेंटर बी का बैलेंस ये है 60,210। अब ये 60,210 का 10%, 50% और ये 40% बनता है। मतलब मैं अगर 621 को डिवाइड करूं 6210 से तो ये 10% बनेगा। अगर मैं 3105 को डिवाइड करूं 6210 से तो ये 50% बनेगा। 2484 को अगर डिवाइड करूं 6210 से तो ये 40% बनेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अब इसी तरह सर्विस सेंटर बी का बैलेंस है हमारे पास 5200। अब इस 5200 का ये 15% है
ये 30% है और ये 55%। जी इज डेट क्लियर और नॉट, सब लोग प्लीज जवाब दें। अब आपके पास ये परसेंटेज में बेस इंफॉर्मेशन आ गई है, अभी आपके पास परसेंटेज में क्या आ गई है, बेस इंफॉर्मेशन। बेटा आप इस स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने यहां से इसको रिपोर्शन करना शुरू करना है स्टार्ट से, बिल्कुल स्टार्ट से। ये जो उसने सर्विस सेंटर ए और बी को रिपोर्शन करके एक एक दफा दिखाया है, ये उसने इसलिए करके दिखाया ताकि आप इससे अपनी बेस इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लें। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं? जी जी हसान आंसर यही है 34,317। What is the main reason for overhead absorption in non-manufacturing business? Answer is iska C option. देखो वही कह रहा है कि हम अपने नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड जो है उनका उनका हम OAR क्यों निकालते हैं, उनको हम एब्जॉर्ब क्यों करवाते हैं, यानी कि अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में हम अपने नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब क्यों करवाते हैं, ये उसका क्वेश्चन है। हम अपने नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को, सॉरी वो कह रहे हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में हम अपनी ओवरहेड कॉस्ट को क्यों एब्जॉर्ब करवाते हैं। मतलब सिंपल है बेटा, वो सर्विस बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, हम OAR निकालते इसलिए ताकि हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट पर यूनिट डिफाइन कर सकें, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट डिफाइन कर सके। जी इज दैट क्लियर और नॉट, यस और नो? अच्छा ये एग्जांपल नंबर 8 का जो आंसर है स्टूडेंट्स, ये सेकंड ऑप्शन है, लेकिन ये भी हमने एंट्रीज करनी है। फिलहाल मैंने आंसर लगा दिया है, ये हम लोग एंट्रीज करेंगे, मे बी आज ही कर लें या मे बी मैक्सिमम कल, लेकिन ये एंट्रीज हम कल करेंगे तो इसमें ये कवर हो जाएगी। तो अभी फिलहाल चूंकि क्वेश्चन आ गया तो मैंने इसकी ऑप्शन मार्क कर दिया करेक्ट ऑप्शन, लेकिन एंट्रीज मैंने भी आपको करवानी, जब मैं करवाऊंगा तो ये खुद बहुत क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डेल्टा, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड ऑप्शन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 12, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट उसने आपको 7 दी हुई है। असल में इसमें हमने वेरिएबल ओवरहेड जो शामिल करने हैं, यहां पे मसला है। देखें वो कह रहा है कि जी 7 पर यूनिट रेट है और 14 पर आर रेट है,
हमने यहां पर लेबर आर्स निकालने, आर्स एट द रेट रुपीज 14 पर आर इक्वल है रुपीज 7 पर यूनिट। तो नंबर ऑफ आर्स जो होंगे ये बन जाते हैं 0.5 आर्स। जी जी अमजद साहब 11 ही करवा रहा हूं, 0.5 आर्स। अब क्या करेंगे, क्यों हमने आर्स निकाले, क्योंकि जो इसने वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट दिया हुआ है वो 18 रुपीज पर आर है। तो 0.5 आर्स इंटू 18 तो ये 9 बनेगा पर यूनिट। तो हमारा जो चार्ज पर यूनिट आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 28। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी 28। जी इज डेट क्लियर और नॉट, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 12। आंसर है डेल्टा। जी डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है हमजे साहब। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डेल्टा लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक सेकेंड ऑप्शन। जी 13 का आंसर सेकेंड ऑप्शन। जी क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15। का आंसर डेल्टा है। फिलहाल आप लगा लें, एंट्रीज अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है अल्फा।
वो कह रहा है कि उसने दोनों प्रोडक्ट्स के 4,000 यूनिट्स बनाए हैं, यानी कि टोटल 8,000 यूनिट्स, पाए और टैन दोनों के उसने 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। और इसके साथ वो ये भी कह रहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स, वो कहते हैं जी फिक्स्ड ओवरहेड्स आर टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय रेफरेंस टू लेबर आवर्स, यानी कि हम लेबर आवर्स की बेस पर ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करेंगे। अब सबसे पहले करना यह कि हमने मशीनिंग और असेंबली के ओवरहेड्स निकालने, लेबर आवर्स सॉरी निकालने। अगर हम 4,000 यूनिट्स बना रहे हैं सो मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये बनेंगे 2,000 आवर्स। इसी तरह 10 के भी 4,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 4,000 आवर्स। इसका मतलब है कि मशीनिंग के टोटल आवर्स बन जाते हैं 6,000 आवर्स। इसी तरीके से असेंबली के निकालेंगे इनटू 4,000, और 1,000 आवर्स। तो ये 1,800 आवर्स बन गए। अब हम निकालेंगे मशीनिंग का ओएआर। मशीनिंग के 1,20,000 ओवरहेड्स हैं डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स हैं 6,000। ओ आर इनका बन जाएगा 20 पर आर। इसी तरीके से असेंबली का निकालेंगे ओ आर। असेंबली के ओवरहेड्स हैं 72,000 के डिवाइडेड बाय 1,800 आर्स। तो ये आपके पास ओ आर निकल आएगा 40 पर आर। अब हमने उसको बतानी है पाए की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। पहले मशीनिंग की बात करते हैं। मशीनिंग डिपार्टमेंट में पाए का एक यूनिट 0.5 आवर्स ले रहा है और इसका ओएआर है ₹20 पर आवर। तो ये रेट बन जाएगा ₹10 पर यूनिट। इसी तरीके से दूसरा असेंबली डिपार्टमेंट, ₹0.2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज, इसका ओ आर जो है ₹40 पर आवर। ये बन जाएगा ₹8 पर यूनिट। तो ये आपके पास रेट बन गया 18 पर यूनिट। ₹18 पर यूनिट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 ओके है?
क्वेश्चन नंबर 17, हाँ जी 17 का बताइएगा ओ यार क्या बन रहा है। जी इसका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। शाबाश अमजद साहब, शाबाश आसान। क्वेश्चन नंबर 18, जी आसान बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, स्टूडेंट्स 1000 से 1000 एब्जॉर्प्शन नहीं बन रही। अच्छा लिसन, मेरी बात सुने सच, ये मुझे याद आ गया, ये सवाल आप लोग काट दें, इस तरह के क्वेश्चंस आप इसमें एग्जाम में नहीं टेस्ट होते, काट दें विषय का। असल में ये जो कह रहे हैं ना कंबाइन फिक्स्ड ओवरहेड्स को मिला के निकालना, ये कुछ भी नहीं है क्योंकि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होती है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, लिहाजा इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दें, फिर नेक्स्ट टाइम निकाल दूंगा इसको। जी क्वेश्चन नंबर 20, जी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जी किसी को कोई इशू? क्वेश्चन नंबर 21, का आंसर है अल्फा, सॉरी थर्ड ऑप्शन। Here is the following information is available regarding the fixed overhead cost and output of the two production departments of a firm. These two departments are S and T. And he is saying that if fixed overheads are absorbed on the basis of departmental fixed material cost. He is saying that if your overhead cost is absorbed on the basis of material cost, then you have to tell me what the overhead cost per unit will be. वेरी सिंपल, सबसे पहले हम निकालेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। सबसे पहले एस की बात, एस के ओवरहेड्स हैं हमारे पास 60,000 रुपीज डिवाइडेड बाय रुपीज 1,20,000 इनटू 100, तो एस का बन जाएगा 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसी तरीके से हम टी का करेंगे, टी के ओवरहेड्स 1,00,000 डिवाइडेड बाय
इसकी बजटेड मटेरियल कॉस्ट 1 लाख इनटू 100, तो टी का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनता है जी 100% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब हुआ ये कि हमारी डिपार्टमेंट एस में मटेरियल कॉस्ट लग रही है 12, तो 12 का हम लेंगे 50% अपने ओवरहेड्स निकालने के लिए, तो ये इसका आ जाएगा पोर्शन ₹6। और इसी तरीके से टी का 100% होता है 8 × 100%, तो ये एज इट इज 8 आ जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू बन जाएगी 14 पर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डेल्टा। देखिए इसके अंदर आपने कैंटीन को करना है रीअपोर्शन, तो कैंटीन की जो बेस इंफॉर्मेशन आ रही है इसको हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कैंटीन को तो हमने निल करना है, तो इसका मतलब है कि कैंटीन की कॉस्ट जाएगी पैकिंग डिपार्टमेंट में, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में और मशीनरी डिपार्टमेंट में, तो कैंटीन की कॉस्ट ने इन तीन डिपार्टमेंट्स में शेयर होना है, मशीनरी, फिनिशिंग एंड पैकिंग। तो फिर बेस इंफॉर्मेशन भी सिर्फ इन्हीं डिपार्टमेंट्स की यूज होगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 10 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 8 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो टोटल बेस है यानी कि कैंटीन के नंबर ऑफ वर्कर इसमें शामिल नहीं किए, क्योंकि कैंटीन को तो रीअपोर्शन करना है, तो कैंटीन की इसमें बेस शामिल नहीं होगी। अब इसमें से हम अगर पैकिंग का शेयर निकाल रहे हैं तो पैकिंग के वर्कर्स हैं 3 डिवाइडेड बाय टोटल वर्कर्स 21 इनटू कैंटीन की कॉस्ट 8400, कितनी आ जाएगी ₹1200 प्लस पैकिंग का अपना एक्सपेंस 8960, ये टोटल बन जाएगा 10,160। 22 का टोटल बन जाएगा 10,160। बेटा कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट, आसान डायरेक्ट कॉस्ट तो है ही नहीं, डायरेक्ट वर्कर्स लिए हैं मैंने, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं ली, और नंबर ऑफ वर्कर्स सिर्फ बेस इंफॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, अगर एक सुपरवाइजर है किसी एक डिपार्टमेंट का, तो उस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट वर्कर्स भी होंगे और इनडायरेक्ट वर्कर्स भी होंगे उसके अंडर। क्या कहते हैं, किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो उस मैनेजर के अंडर डायरेक्ट वर्कर्स भी होंगे और इनडायरेक्ट वर्कर्स दोनों होंगे। तो यहां पर जब हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जब भी नंबर ऑफ वर्कर्स की बेस लेंगे तो याद रखें स्टूडेंट्स कि हमने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को बेस लेना है। अगर उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को स्प्लिट किया हुआ है तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर्स दोनों को ऐड करके फिर बेस अप्लाई करनी है।
जी गॉट इट और नॉट? क्या मतलब? अब देखो ना, हम कैंटीन को रीअपोर्शन कर रहे हैं, तो कैंटीन की टोटल कॉस्ट 8400 है। 8400 में से कुछ हिस्सा मशीनरी में जाएगा, फिर 8400 में से कुछ हिस्सा फिनिशिंग में जाएगा और बकाया कुछ हिस्सा पैकिंग में जाएगा। लेकिन उसने हमसे सिर्फ पैकिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स मांगे हैं, तो इस वजह से हमने सिर्फ पैकिंग का शेयर निकाला। अब पैकिंग में नंबर ऑफ वर्कर्स 3 है, डिवाइडेड बाय टोटल बेस हमारी 21 वर्कर्स की है, मल्टीप्लाई बाय कैंटीन की कॉस्ट 8400 है। 8400 में से 1200 जो है वो पैकिंग डिपार्टमेंट को चार्ज होगा, प्लस 8960 जो है वो उसका अपना बैलेंस भी है पैकिंग का, तो ये टोटल बन जाएगा 10160। जी इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 23 का, डेट इज थर्ड ऑप्शन। अभी फिलहाल इसको लगा लें, अगेन ये वही मसला एंट्रीज वाला, एंट्रीज करेंगे तो ये चीज क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 24, आंसर ए ऑप्शन। स्टूडेंट्स आंसर ए ऑप्शन। जी क्वेश्चन नंबर 25, हसान साहब ए ऑप्शन कह रहे हैं 25th का। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 हसान, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट उसने दी हुई है, आपने टोटल कॉस्ट पर यूनिट बतानी। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी गिवन है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हुए पर मशीन आर 12.58 है, मल्टीप्लाई बाय 14 हाँ जी 12.58 मल्टीप्लाई बाय 14
हसान कोई वैल्यू कैलकुलेट कैलकुलेट करके बता दो यार। जी 176 पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल 20 है, डायरेक्ट लेबर 69.4 और प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वैल्यू 176.12। जी टोटल बताइएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बन रही है 265.5। अब इसके अंदर आपके जनरल ओवरहेड्स भी हैं। जनरल ओवरहेड्स जी एट द रेट 8%, 265.52 का 8% नहीं क्या आता है। एट परसेंट ये बनेगा 21.24। ये आपने इसमें ऐड कर लिया तो आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी 286.76। ठीक क्लियर है जी स्टूडेंट्स, इज डेट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर इज डेल्टा। इसमें आपने सारे कॉस्ट सेंटर्स का ओआर निकाल, यानी कि पहले हम ए का निकालेंगे, ए के ओवरहेड्स डिवाइड बाय लेबर आवर्स, इसी तरीके से बी के ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स, सी के ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय मशीन आर, इसी तरीके से डी के ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। और ये निकालने के बाद हमने बताना था कि किस डिपार्टमेंट का, नहीं नहीं प्लस नहीं करना, नहीं ऐड नहीं करना, वो ऐड करने को नहीं कह रहा यार, अजीब गरीब बात है। और भाई ओआर निकालना है, ओआर कैसे निकलता है, ओवरहेड्स डिवाइड बाय या तो लेबर आवर्स होंगे या मशीन आवर्स होंगे, ऐड करने को नहीं मैं कह रहा। मैंने तो ये एरोज लगा के बताए हैं कि ये ऊपर ओवरहेड्स हैं 18,757, इसको डिवाइड करेंगे लेबर आवर से। इसी तरह बी में ओवरहेड्स है 29,025 डिवाइडेड बाय लेबर आवर 6,750।
अब सी को जब आप करेंगे तो सी के ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स करेंगे, मैंने ये बात की है, इसलिए ये निशान लगाए हैं कि यानी कि सी को लेबर आवर से नहीं करना, मशीन आवर से करना है। और डी को भी मशीन आवर से करना है। दाई साहब बात समझ में आई या नहीं आई? डिवाइड करना है, ओएआर निकालना है। अब जिस डिपार्टमेंट का ओएआर सबसे ज्यादा आ रहा है वो आंसर है और वो डी का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, फॉल्स है। टोटल कॉस्ट नहीं, ओवरहेड कॉस्ट को हमने एट्रीब्यूट करना हो। क्वेश्चन नंबर 29, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, जी इसका आंसर बी ऑप्शन। जी क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड ऑप्शन। जी क्लियर हो गया? ओके जी फाइन। जी एब्जॉर्प्शन मार्जिन में आ जाए जरा सब लोग। जिसका बी और सी पार्ट निकालिएगा।
जरा बताइएगा क्या आंसर आ रहा है बी पार्ट का एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल से। जी बी पार्ट की जरा आंसर शेयर कीजिएगा। जी आंसर्स नहीं बता रहे आप लोग भी एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के पार्ट बी के क्या आंसर्स हैं आप लोगों के। जी एहसान आपने तो बताया पर क्लास में कोई 20 बच्चे हैं उनके आंसर्स कहाँ हैं। और अमजद साहब मार्जिनल से कितना आ रहा है। जी अमजद साहब मार्जिनल ठीक है एब्जॉर्प्शन में गड़बड़ है आपके। बाकी लोग भी शेयर करें अपना आंसर। ठीक है शाबाश। अच्छा मैं अब आप लोगों को सॉल्यूशंस दिखाता हूं आप लोग अपने आंसर्स जरा टैली करें। ये रिक्वायरमेंट बी की वर्किंग है जिसमें आपका ओएआर आएगा रुपीज 2 पर यूनिट और एब्जॉर्प्शन मार्जिनल से कॉस्ट पर यूनिट 24 और 22 रहेगी। क्लोजिंग स्टॉक हम इसमें वर्किंग नंबर 3 से कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारा 6000 यूनिट्स है, प्रोडक्शन हमारी 28000 यूनिट्स है और सेल हमारी 29000 की है तो 29000 हम लेस कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 5000 यूनिट्स बन जाएगा। जी अमजद साहब की कोई गड़बड़ लग रही है वर्किंग ठीक है आपकी। इसका मतलब अंडर ओवर में गड़बड़ की है।
नहीं वर्किंग नहीं आपको नजर आ रही अमजद साहब, आपके पास भी अंडर एब्जॉर्प्शन 4000 ही आई है। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं। अब ये एब्जॉर्प्शन देखिएगा, मेरे ख्याल में आपने वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स में गलती कर दी है, यूनिट्स गलत मल्टीप्लाई कर दी है। नहीं लेकिन 692 कैसे आ गया, मतलब कैलकुलेशन एरर है। जाहिर साहब गुड हो गया, तो आप ये देखो आपके आंसर एब्जॉर्प्शन का क्या आ रहा है। जी अमजद साहब, सभी स्टूडेंट जरा अपने एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट जरा चेक करें। ओके हो गया अमजद साहब, ये इसको देख लें एक दफा, अगर कोई मुश्किल है तो बता दें। ओके हो गया, अच्छा अब ये जरा मार्जिनल का भी चेक कर लें।
अच्छा सी पार्ट के जरा आंसर शेयर कीजिएगा। जी अमजद साहब आई थिंक इसमें आपने फिर एब्जॉर्प्शन में कोई गड़बड़ कर दी है। ठहरे वर्किंग सबसे पहले टैली करें इसकी। जाहिर साहब आपके क्या आंसर है सी पार्ट के? एक्सीलेंट हो गया साहिब साहब, वेरी गुड। जी वर्किंग क्लियर है आप लोगों की? लेम जैसा आप इसको देखिएगा एब्जॉर्प्शन से।
कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रही है हमने साहब, मतलब चलो एक दफा तो वंस हो गया लेकिन बार बार ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह तो देखे ना, ये जो चीजें हमें आती हैं हम वो भी गलत कर लेंगे। इसको ओवरकम करने की कोशिश करें। और माचरण भी देख लें एक दफा। गुड हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स लिसन, अब इसमें ना एक आपके पास हैंडआउट्स में एक सेकंड, नोट्स में आए जी, आपके नोट्स में एग्जाम्पल नंबर 2 है, अरे मैं स्क्रीन पे भी शेयर करता हूं। जी एग्जाम्पल नंबर 2 है जी, स्क्रीन नजर आ रही सबको, एग्जाम्पल नंबर 2। जिसमें वो कह रहे हैं रेनर्स पीएलसी मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, द सेलिंग प्राइस इज 12 रुपीस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस उसने आपको बता दी है 12 रुपीस पर यूनिट है, और वो कह रहे हैं कि ईच ब्लैंकेट हैज द फॉलोइंग यूनिट कॉस्ट, कहता है कि हर ब्लैंकेट के ऊपर एक ब्लैंकेट बनाने पर जो आपकी यूनिट कॉस्ट लग रही है वो ये, डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट 2 रुपीस लग रही है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1 रुपी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2 रुपीस, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके 3 रुपीस, और आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 8 रुपीस बन जाती है। आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बन जाती है 8। अब वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर इंकर्ड एट द रेट ऑफ 20 रुपीस पर एनम, कहता कि आपकी जो एडमिन कॉस्ट है वो 20,000 रुपीस पर एनम के हिसाब से लग रही है। द कंपनी achieved the falling production and sales of blankets. अब 3 सालों में जो आपकी प्रोडक्शन हुई है, पहले बात करते हैं ईयर 1 की। अब ईयर 1 में आपकी जो प्रोडक्शन है वो 100,000 यूनिट्स की है, और जो सेल है वो 90,000 यूनिट्स की है। ये आपकी ईयर 1 की सेल की बात, सेल और प्रोडक्शन उसने बताई है। इसने 3 जीरोस कॉमन लिए हुए हैं स्टूडेंट्स, इसने 3 जीरोस क्या लिए हुए, कॉमन लिए हुए हैं। इसका मतलब है कि ईयर 1 की प्रोडक्शन 100 नहीं है, 100,000 है, यानी कि 100 के आगे 3 जीरोस हैं, और इसी तरह सेल्स 90,000 है। गॉट इट जी? अब वो ही कह रहा है The following information is also relevant. ये जो नीचे इसने information दी है ये भी relevant है। जैसे कहता है overhead cost of ₹2 and ₹3 per unit have calculated on the basis of budgeted production volume of 90,000 units. कह रहा है कि ये जो आपका rate 2 और 3, यानी कि ये इस 2
और इस थ्री की बात कर रहा है, ये जो आपके ओवरहेड रेट है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड रेट टू और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रेट थ्री, कहता है ये जो दोनों रेट्स हैं ये कैलकुलेट किए गए हैं बजटेड एक्टिविटी लेवल, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग, बजटेड एक्टिविटी लेवल, बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम 90,000 यूनिट्स पे इन्हें कैलकुलेट किया गया। बेटा ये 90,000 यूनिट्स जो है स्टूडेंट्स की बजटेड एक्टिविटी लेवल है, ये आपका बजटेड एक्टिविटी लेवल है 90,000 यूनिट्स। यानी कि ये वाला 90,000 और ये वाला 90,000 नहीं है, ये अलग 90,000 है। ये बात समझ में आ गई, पॉइंट नंबर वन सबको क्लियर है। इसका मतलब है कि हम यहां पर अपने बजटेड ओवरहेड्स निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को देने का मकसद क्या था, देखें ओएआर का फॉर्मूला होता है ओएआर इज इक्वल्स टू बजटेड ओवरहेड्स बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। अब यहां से हम अपने बजटेड ओवरहेड्स निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, अब बजटेड ओवरहेड्स कैलकुलेट करने का तरीका, बजटेड एक्टिविटी लेवल जो है वो उसने हमें 90,000 यूनिट्स बताया और ओएआर उसने हमें बताया हुआ है थ्री है, तो ये 90,000 यूनिट्स इधर डिवाइड हो रहे हैं, इधर आकर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या करेंगे 90,000 यूनिट्स इंटू ओएआर थ्री, तो बजटेड ओवरहेड्स हमारे बन जाएंगे रुपीज 270,000। हमारे बजटेड ओवरहेड्स क्या बन जाएंगे 270,000 रुपीज के, हमारे बजटेड ओवरहेड्स कितने बन जाएंगे 270,000। स्टूडेंट्स मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, यस और नो, देखें जाहिर साहब मैं ये कह रहा हूं, देखें मैं ये कह रहा हूं कि ये जो उसने पॉइंट नंबर वन यहां पे एक्सप्लेन किया है, पॉइंट नंबर वन में कह रहा है कि ये जो बजटेड ओवरहेड रेट्स हैं, यानी कि ये टू और ये थ्री, यानी कि ये ओवरहेड कॉस्ट की बात हो रही है, एक ओवरहेड रेट ये टू है और ये ओवरहेड रेट थ्री है, वो कह रहा है कि ये जो टू और थ्री रेट है ये जिसने ऊपर बताए हैं उन्हीं की बात यहां पे कर रहा है, ये उन्हीं टू और थ्री रेट की बात कर रहा है, कह रहा है ये ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड एक्टिविटी लेवल, ये बजटेड एक्टिविटी लेवल है आपका जायद साहब 90,000 यूनिट्स। ये उसने डेटा इसलिए दिया है ताकि हम ये देखें, आप ओएआर का फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, अब बजटेड एक्टिविटी लेवल तो 90,000 यूनिट्स है और ओएआर यानी कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रेट आपका जो है वो थ्री है, तो 90,000 इधर डिवाइड हो रहे हैं उधर जाके थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बजटेड ओवरहेड्स क्या बनेंगे 90,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय थ्री, That is 2,70,000। जी जाहिर साहब समझ आ गई बात की। अब इस सवाल के अंदर मसला ये है कि उसने हमें एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं दिए हुए, हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं दिए, तो हम ये एज्यूम करने पे मजबूर हैं, वैसे तो उसने ये पॉइंट नंबर फोर में कह भी दिया है,
एज्यूम कर लें कि एक्चुअल ओवरहेड्स आर इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स, यानी कि एज्यूम कर लें कि आपके जो बजटेड ओवरहेड्स हैं वो एक्चुअल ओवरहेड्स के बराबर हैं, आपके बजटेड ओवरहेड्स आपके एक्चुअल ओवरहेड्स के बराबर हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर उसने एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं बताए हुए, और अगर हम एक्चुअल ओवरहेड्स कैलकुलेट करना चाहें भी तो नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि एक्चुअल ओवरहेड्स गिवन ही नहीं है और ना हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है जिससे हम वो कैलकुलेट कर सके, तो हम इसमें मजबूरी है कि हम एज्यूम करेंगे कि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स 270,000 है, बजटेड भी 270,000 है और एक्चुअल भी 270,000। जी स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आई इस क्वेश्चन में या नहीं? काइंडली रिप्लाई तो करें। अब अगले पॉइंट में वो कह रहा है कि जी देयर वाज नो इन्फ्लेशन। देयर वाज नो इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट और जो सेलिंग प्राइस और जो आपकी ओवरहेड कॉस्ट ईयर वन में है वही ईयर टू में रहेंगी और वही ईयर थ्री में भी रहेंगी, यानी कि तीनों सालों में आपकी ओवरहेड कॉस्ट यही रहेगी, ओवरहेड कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा, ओवरहेड कॉस्ट फिक्स रहेगी तीनों सालों में। देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक, कहता कि कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं हुआ, देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक यानी कि आपका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था। अब अगेन ये वही बात है कि ईयर वन में कोई ओपनिंग नहीं है, अब अगर ईयर वन में कोई क्लोजिंग स्टॉक आया तो वो ईयर टू का ओपनिंग बन जाएगा, तो इस जुमले का जो लिंक है वो सिर्फ और सिर्फ ईयर वन से रिलेट करता है, ये सिर्फ किससे रिलेट करेगा, ईयर वन से रिलेट करेगा। जी इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? जी ओएआर थ्री रहेगा, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट यही रहेगी, लेबर कॉस्ट यही रहेगी, वेरिएबल ओवरहेड रेट यही रहेगा, फिक्स्ड ओवरहेड रेट यही रहेगा, आपकी एडमिन कॉस्ट 20,000 रहेगी हर साल, आपके तीनों सालों में एक्चुअल ओवरहेड्स 270,000 रुपीज रहेंगे हर साल। ईयर वन में अगर 270,000 है, ईयर टू में भी 270,000 होंगे, ईयर थ्री में भी एक्चुअल ओवरहेड्स 270,000 लेंगे आप, लेकिन चेंज किस चीज में आएगा, तीनों सालों के जो आपके हैं प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट्स ये चेंज होंगे। जैसे हमने कल वो किया था आरएफ लिमिटेड वाला क्वेश्चन उसी तरीके से, इसका जरा स्क्रीनशॉट लें, इसका ईयर वन में खुद करवा रहा हूं आप लोगों को। जल्दी से जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, वो कह भी रहा है इसको कि ये फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अच्छा अब ये देखें जी इसका सॉल्यूशन, ये इसका पहला पार्ट जो है ईयर वन, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं ईयर वन को। Year one. इसमें ओ आर निकालने की जरूरत नहीं है, ओ आर हमें गिवन था। असल में हमने क्या किया, हमने ओ आर का डाटा यूज कर बजटेड ओवरहेड्स निकाले और एज्यूम कर लिया कि हमारे बजटेड ओवरहेड्स हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स के बराबर, जो कि अभी मैंने आपको पीछे वर्किंग शो भी की है। इस वर्किंग में किसी को कोई इशू, यानी कि हमारे ईयर वन में भी 270,000 के एक्चुअल ओवरहेड्स, ये टू में भी एक्चुअल ओवरहेड्स 270,000 और ये थ्री में भी एक्चुअल ओवरहेड्स 270,000 ही रहे, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट चेंज हो भी जाएंगे तो तब भी तीनों सालों में हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 270,000 होंगे। जी स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? जवाब तो दो।
अच्छा, अब ये इसकी सेकंड वर्किंग कॉस्ट पर यूनिट की, मटेरियल कॉस्ट 2 पर यूनिट दोनों में आएगी, एब्जॉर्प्शन में भी मार्जिनल में भी, लेबर कॉस्ट 1 दोनों में आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कोई भी नहीं है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 2 है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 3 है, एब्जॉर्प्शन में आएगा, मार्जिनल में नहीं। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है वो 8 है और मार्जिनल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है वो 5 है। एब्जॉर्प्शन की प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 8 और मार्जिनल की प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट क्या है 5। अब इसकी थर्ड वर्किंग पर आए जरा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स। अब ओपनिंग स्टॉक ईयर वन में तो जीरो है, प्रोडक्शन हमारी हुई है 1 लाख की, माइनस सेल हमारी 90,000 की, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ईयर वन में बन रहा है 10,000 यूनिट्स। ये स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर और नॉट? इसके बाद अंडर फोर्थ वर्किंग है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं आपके 1 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3 लाख रुपीस, क्योंकि हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन ईयर वन में 1 लाख यूनिट्स की हुई है, तो 1 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा ओआर, तो हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बन गए 3 लाख, जबकि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स 2,70,000 के। तो इसका मतलब 30,000 की ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है। 30,000 की क्या हुई है? ओवर एब्जॉर्प्शन। जी स्टूडेंट्स, ये चारों वर्किंग्स ओके हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आसान गिवन तो है, नीचे वो देखो ईयर वन की प्रोडक्शन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है, जी हसन, इज डेट ओके और नॉट? अच्छा, अब ये देखो इसका ईयर वन, ईयर वन में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले देखें, ईयर वन की सेल है 90,000 यूनिट्स की, एक्चुअल सेल 90,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 12, तो हमारा रेवेन्यू बन रहा है 10,80,000, 10,80,000, 10,80,000। जी क्लियर है? इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक हमारा जीरो था ईयर वन में और हमारी कॉस्ट पर यूनिट 8 है, तो 0 × 8 जीरो ही आ गई ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। प्रोडक्शन हमारी 1 लाख यूनिट्स की हुई है और हमारी कॉस्ट पर यूनिट है 8, तो 1 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 8 लाख आ जाती है। क्लोजिंग स्टॉक हमने अपनी थर्ड रिक्वायरमेंट में निकाला 10,000 यूनिट्स थे, कॉस्ट पर यूनिट 8 थी, 80,000 उसकी वैल्यू। अब 8 लाख में से 80,000 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने माइनस की, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आई 7,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई हमारे पास? 7,20,000। अब हमने अपनी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया तो हमारे पास अनएडजस्टेड जीपी निकल आया 3,60,000 का। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है या नहीं? हमारे पास अनएडजस्टेड जीपी निकल आया 3,60,000 का।
अब उसमें से हमने अपनी ओवर एब्जॉर्प्शन 30,000 ऐड कर दी उसको, उसमें उसमें हमने 30,000 की ओवर एब्जॉर्प्शन ऐड कर दी, तो हमारे पास एडजस्टेड जीपी निकल आया 3,90,000। अब इसमें कोई वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स नहीं हुआ, कोई फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स नहीं हुआ, तो नहीं हुए तो नहीं हुए, ठीक है। अगर हुए होते तो हम उसकी ट्रीटमेंट करते, अब नहीं हुए तो नहीं हुए। अब उसमें से हमने अपनी फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 20,000 लेस की, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल आएगा 3,70,000। जी, इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? अब जब हम इसको करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग से, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में भी सबसे पहले सेल्स लेंगे। सेल्स उसी तरीके से 90,000 यूनिट्स की सेल है मल्टीप्लाई बाय रुपीज 90 सेलिंग प्राइस, तो हमारा रेवेन्यू आ गया 10,80,000। अब 10,80,000 में से हमने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करनी है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या है? जीरो, और कॉस्ट पर यूनिट इसमें हमारी 5 है, तो वैल्यू जीरो आ गई। फिर प्रोडक्शन 10,000 यूनिट, 1,00,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 5 उसकी कॉस्ट पर यूनिट, तो ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बन गई। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट 5, ये इसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। अब ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई? 4,50,000। तो आपने सेल्स में से 4,50,000 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की, तो स्टूडेंट्स आपके पास निकल आया कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रॉस कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है वही हमारा फाइनल कंट्रीब्यूशन बनेगा, क्योंकि हमारा कोई वेरिएबल सेलिंग, कोई वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं हुआ, यानी कि वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड इस क्वेश्चन में नहीं है, तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया 6,30,000। उसके बाद हमने इसमें से अपनी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्चुअल वाली 2,70,000 लेस की, और फिर फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन 20,000, इन दोनों को ऐड करके हमने इधर से लेस किया, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल आया 3,40,000 का। किसी को इसमें कोई मसला? ये 2 और 3 अब आपका होमवर्क है, ये 2 और 3 आप लोगों ने जी कल ये होमवर्क करके आना है, क्योंकि कल जो चीज मैंने पढ़ानी है वो समझ में ही तब आएगी जब आप ये कर कर आएंगे। ओके जी, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।